नए साल के पांचवें दिन भी ठंड का सितम जारी रहा। आपको बता दें कि बुधवार को मैक्सिमम टेम्परेचर 13.6 और मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा। वहीं पछुआ हवाओं की वजह से बड़ी गलन से पूरे दिन लोग ठिठुरते हुए नजर आए, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि सर्दी का यह सितम अभी पूरे हफ्ते ऐसे ही जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 7 जनवरी तक शीतलहर और ठिठुरन की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ साथ कोहरा रहेगा और ठंडी हवाएं चलेंगी। अभी फिलहाल मौसम इसी प्रकार बना रहेगा, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि बिना आवश्यक घरों से बाहर न निकलें, जब आवश्यक हो गर्म कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलें तथा वाहन चलाते समय हेडलाइट को जलाकर चलें, ताकि कहीं पर किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, इधर 3 दिनों में काफ़ी ठंड बढ़ गई है, किस प्रकार की समस्या हो रही है? 3 दिनों में तो इतनी ठंड बढ़ गई है कि हम लोग अपने ड्यूटी पे आने में भी असमर्थ हो जाते हैं। आ रहे हैं, हाथ में एकदम गलन टाइप हो रहा है, गांव से निकलने में आगे सामने दिखाई नहीं दे रहा है, गांव में इतनी ठंड है, और शहर में भी आने में वही हाल है। और मुझे लग रहा है कि अभी और ठंड बढ़ी, लेकिन इन 3-4 दिनों में तो ठंड बहुत बढ़ गई। समस्याएँ बहुत प्रकार के हैं ठंड की। हाँ, किस तरह से नया साल ठंडी पड़ गई है, थोड़ी ज्यादा निकलना हो रहा है, टोपी लगा के करना पड़ता है, स्वेटर साल लगा निकलना है, ठंड के बाद पानी ले आ जाओ। इधर 3 दिनों के काफ़ी ठंड बढ़ गई है, किस तरह की समस्या आ गई? समस्या इसमें बच्चों बुजुर्गों के लिए तो विशेष तौर पे है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं ठंड से वजह से, बुजुर्ग घर में पैक हो चुके हैं, बुजुर्ग क्या है जो नौजवान भी घर में पैक हो गए, ऑफिस निकलने में दिक्कत, तमाम दिक्कत है, टाइम से ऑफिस ना पहुँच पाना, निकलने में कलम ठंडक से। देखिए, जो ये शीतलहर की जो सूचना हमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार अभी आगामी तकरीबन 7 तारीख तक ये शीतलहर की यही स्थिति बनी रहेगी और डेंस फॉग रहेगा और ठंडी हवाएं भी चलेंगी, तो इसलिए अभी लिहाजा जो अगले 3-4 दिनों तक है वो मौसम इसी प्रकार बना रहेगा। और शीतलहर के दृष्टिगत तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि यथासंभव यदि आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, यदि घरों से बाहर निकलें तो पूरे मतलब कपड़ों को ढक कर मतलब कपड़े अच्छे से पहन करके निकलें और गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन रखें ताकि कहीं से कोई दुर्घटना होने की संभावना न रहे। तो इस समय शीतलहर की सिचुएशन बनी रहेगी अगले 3-4 दिनों तक।